जी हाँ, यही उद्देश्य है मेरा सेशन लेने का। प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा ये सबसे पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो समझने की है कि ये शरीर जो है, जो हमारा सक्रिय यंत्र है, ये दिव्य है, ईश्वरीय है, इसको मामूली मत समझिए। इसमें हमारे भीतर जो है हीलिंग कैपेसिटी, रिपेयरिंग एंड सारी जो मैकेनिज्म है हमारे भीतर ही है। हमें बाहर इलाज का और ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शरीर से निरंतर हमारी जो वाइटालिटी है वो चार निष्कासक अंगों से निरंतर मल को निष्कासित करती रहती है। हमारे आंतों द्वारा मल निष्कासित होता है रेगुलरली। हमारे जो किडनीज हैं वो यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से मल निष्कासित करती हैं। हमारे फेफड़े जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विषैली गैसों को वहां से निष्कासित करते हैं सांस द्वारा। और हमारी त्वचा, विच इज द लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, पसीने के द्वारा सारा मल निष्कासन करती है। ये तो साधारण प्रक्रिया है, प्रतिदिन हमारे शरीर की चलती रहती है। लेकिन जब एक्यूमुलेशन यानी के विकारों का जो जमाव है बहुत अधिक बढ़ जाता है और निष्कासन जो है वो कम हो जाता है, तो तब हमारी जीवनी शक्ति असाधारण प्रयोग करती है। जैसे कि हमारे भीतर के जब विकार बहुत अधिक हो जाते हैं तो हमारा जो हाइपोथैलेमस के पास जो हमारा थर्मोस्टेट है वो पूरी बॉडी का टेम्परेचर रेस करके उन सारे टॉक्सिन्स को समाप्त करने की चेष्टा करता है। और यदि हम कुछ अनुचित खा लेते हैं तो हमारे शरीर से डायरिया के रूप में, वॉमिटिंग के रूप में, इस प्रकार से जो है मल निष्कासन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो एक्यूट इलनेसेस, चाहे वो फीवर है, चाहे वो लूज मोशन है, चाहे वह वॉमिटिंग है इत्यादि, सभी जो ये तीव्र रोग है, ये हमारे भीतर की वाइटालिटी की, जीवनी शक्ति की सफल चेष्टाएं हैं हमारे शरीर से मल निष्कासित करने की। अब जैसे कि इस समय हमें फीवर कोरोना के चलते, तो फीवर को बहुत जल्दी डाउन लाने का प्रयास नहीं करना। उसको धीरे धीरे प्राकृतिक तरीके से, मान लीजिए आपको फीवर है तो आपको एक साधारण टॉवल लेके आपको इसकी दो तीन तह बना के आपको कोल्ड वेट पैक बनाना है। जैसे देखिए ये इतनी तह आपकी बन जाएगी, तो इसको आपको सादे पानी में भिगो कर, निचोड़ कर इसे आपको अपने पेट पर रखना है। और जब ये थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा तो बदल बदल के ये क्रिया लगभग 10 मिनट तक आप कोल्ड वेट पैक अपने एब्डोमेन पे रखें, अपने माथे पे और आंखों पर इस तरह से रखें। और 10 मिनट्स में ये बदल बदल के आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार टॉवल रखेंगे वो गर्म हो जाएगा, फिर उसको दोबारा भिगो के पानी में, आपको याद रखिए ये साधारण पानी है, आइस कोल्ड वाटर इत्यादि नहीं है। और आंखों पर भी ये क्रम आप दिन में 3 बार कर सकते हैं बुखार की अवस्था में, ताकि आपके जो बॉडी जो है बुखार पैदा करके विकार निकालने का प्रयत्न कर रही है, तो उस प्रक्रिया का आप सहयोग देंगे, ना कि मेडिसिन इत्यादि खाकर आप उसको सप्रेस करेंगे। याद रखिए जब इमरजेंसी सिचुएशन है तो हमारे पैनल पर डॉक्टर विनोद है, उनसे कोरोना एक्सपर्ट है, वो फ्री कंसल्टेंसी ऑनलाइन आप उनसे ले सकते हैं। और साधारण अवस्था में जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है तो आप बड़े सिंपल उपायों के द्वारा, बिना दवाइयों के, आप घर के भीतर ही बुखार इत्यादि से निजात पा सकते हैं। ये तो था बुखार की सिचुएशन में मैंने एक उपाय बताया। अब मान लीजिए कि बुखार आपका 102 103 पर जा रहा है, ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है? उस अवस्था में जब बुखार तीव्र होता है तो हमें सर को जो है गीला करके और बाकी बदन को गीले टॉवल से, जिसे कहते हैं स्पॉन्ज बाथ कहते हैं, पूरे बॉडी को गीले टॉवल से जो है आप वाइप ऑफ करेंगे, बड़ी सावधानी से करेंगे। और ऐसा करते समय पेशेंट को कुछ ओढ़ा कर कंबल इत्यादि, और एक एक अंग को जो है बाहर निकालेंगे, जैसे आप हाथ निकालेंगे उस पर टॉवल से जो है गीले टॉवल से वाइप ऑफ करेंगे, फिर उसके जो है फेस पर, गर्दन पे, छाती पे, पेट पे वेट टॉवल से
थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसके शरीर को गर्मी हटाने का प्रयास करेंगे। और इस तरह का प्रयास जो है डिपेंडिंग ऑन कि टेम्परेचर कितना है, तो आप दिन में 3-4 बार ये प्रक्रिया कर सकते हैं जब तक ज्वर जो है बड़ी तेज है। ऐसे समय पर जब पेशेंट बहुत कमजोर है, बहुत वीक है, तो उस समय जिस प्रयोग से अगर पेशेंट को ज्यादा परेशानी हो रही है, तो उस समय प्रयोग ना करके केवल आप उसे ठंडी पट्टी, माथे की पट्टी बदल बदल के ऐसे कर सकते हैं। ये तो बुखार की अवस्था जो है उस समय। अब इस समय जो है बहुत ज्यादा लोगों को जो है निमोनिया इत्यादि की भी मैं क्वेश्चंस देख रही हूँ कि ऐसा बहुत। एक बात और बता दूं, बुखार की अवस्था में जैसे आप पेट की लपेट बांध सकते हैं। याद रखिए कि शरीर ने बॉडी का टेम्परेचर रेस क्यों किया है, हमारे शरीर के विकारों को जलाने के लिए। तो सबसे पहले फिर हमारा कर्तव्य, यदि हमें स्वस्थता नेचुरली चाहिए, तो हमें जो है पेट की लपेट, आपको पेट की सफाई पर तुरंत ध्यान देना है। लपेट, कई नए साधक हमारे साथ जुड़े हैं तो उनके लिए मैं फिर से बता दूं, लपेट किसे कहते हैं हम, कंप्रेस, हॉट वेट बैंडेज, कई नामों से इसे पुकारा जाता है। तो ये इसमें एक कॉटन की लपेट होती है जिस तरह से आप देख रहे हैं, और एक इसमें वुलन लपेट होती है जिसके एक छोर पर ये नाड़े इत्यादि होते हैं, ताकि जब आप लपेट बांध दें उस अंग पर, तो बाद में उसको जो है नाड़े इत्यादि से, रस्सी से उसको टाई करके उसी जगह पर इंटैक्ट रखें। लपेट को बांधने का सबसे पहले लपेट का साइज 12 से 15 इंच की चौड़ाई देख सकते हैं आप इसकी लपेट की है, ताकि आपका पेट जो है कवर हो जाए। अब आप जो है ऑर्डर कर सकते हैं हमारे अध्यास साधना केंद्र पे। ये जब तक आपके ऑर्डर आता है, तब तक आप घर के ही किसी चादर से, दुपट्टे से, पतले किसी कॉटन के कपड़े से, ये चौड़ाई देख रहे हैं आप, कितनी ही चौड़ाई और लंबाई कितनी चाहिए। लंबाई हमें चाहिए उतनी लंबाई आपकी लपेट की होनी चाहिए, 2 मीटर सामान्य। लेकिन जैसे ज्यादा ओबीस लोग हैं तो उनको थोड़ी लंबी दो जो है, ताकि जब लपेट बांधे तो उसके 2-3 लपेट उस अंग पर आने चाहिए। तो उसकी लंबाई, जो ज्यादा ओबीस लोग हैं तो वो 2 लपेट को जोड़ के, अगर बाजार से वो हमारे सेंटर से ऑर्डर करवा रहे हैं, तो उन्हें 2 लपेट ऑर्डर करनी चाहिए, ताकि एक के साथ एक मिलाकर 2 लपेटों से फिर वो आसानी से जो है लपेट पाएंगे। इस लपेट को बांधने का तरीका क्या है? सबसे पहले जो है आपको इस कॉटन की लपेट को सादे पानी में भिगोना है, निचोड़ना है, और निर्वस्त्र होके आपके ये लपेट आपके शरीर पर टच करनी चाहिए। तो आपके कपड़े उतार कर आप इसको पेट पर बांधेंगे। उसी के ऊपर देखिए, ज्यादा टाइट नहीं बांधनी है, ज्यादा लूज नहीं बांधनी है, सामान्य इसको टाई करना है। और इस कॉटन की भीगी हुई लपेट के ऊपर आप इस वुलन लपेट को बांधेंगे। किसी भी गर्म कपड़े से आप घर पे बना लीजिए, पुरानी शॉल से बना लीजिए, और इसकी अवधि होगी 40 मिनट्स। ये आपके पेट के एक्सेस हीट को कम करेगी, आपके भीतर जो कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन, डिस्पेप्सिया, या पेट का डायरिया है, या कोई भी रोग चल रहा है, तो वो उसको जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे वहां की जो है क्रिया प्रतिक्रिया और मेटाबॉलिज्म और कार्य क्षमता को पैपअप करेगी। और जैसे जैसे आपका पेट साफ होता जाएगा, देखिए जैसे जैसे आपके भीतर का विकार कम होता जाएगा, वैसे वैसे आपका बुखार डाउन आना शुरू हो जाएगा। इस बुखार के साथ डाइट की कल मैं चर्चा कर चुकी हूँ कि किस तरह से आपको जो है ऐसी अवस्था में भोजन का त्याग करके और लिक्विड डाइट पर आ जाना है। अब जैसे ये इस समय पे हमारा जो श्वसन तंत्र है, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो सबसे ज्यादा आक्रांत हो जाता है। तो उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है वहां पर जैसे हमारे फेफड़े हैं, तो जो ये विकार है हमारे फेफड़ों के अंदर रोम कूपों तक, ये विकार एक म्यूकस बलगम या श्लेष्मा जिसे कहते हैं, स्टिकी गोंद की तरह हमारे फेफड़ों के भीतर जम जाता है, जिसकी वजह से हमारे भीतर हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता कम हो जाती है, पूरा ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाते,
और पूरा ऑक्सीजन न ग्रहण करने के कारण हमारे शरीर में निरंतर जो है, क्योंकि एक एक कोशिका को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वीकनेस, फैटीग और जो हमारी स्थिति है और ज्यादा डिटोरियोरेट होने लग जाएगी। तो इस अवस्था में आपको छाती की लपेट जो है, लपेट वही जो अभी पेट की लपेट मैंने बताई थी, लेकिन अब उसको छाती पर बांधना है। पेट की लपेट, छाती की लपेट की पिक्चर्स जो है, धीरेंद्र जी अगर आप शेयर कर सकते हैं तो एक बार दिखा दीजिए, और नहीं तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, अगर अभी धीरेंद्र जी सुन रहे हैं तो वो शेयर कर दे। तो छाती की लपेट जब हम बांधते हैं, जैसे ही हमारी ये जो कॉटन की पट्टी है जब हमारी त्वचा को टच करती है, तो हमारे जो सतह की जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट होती है। ठंडक पहुंचते ही पहला प्रभाव जो हमारे को इस लपेट का मिलता है वो है शीतकारी प्रभाव, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है, हमारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं और ब्लड जो है रक्त तेजी से भीतर के अंगों की तरफ जाता है। देखिए हम सतह पर बांध रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव हमारे भीतर अंदर तक, एल्वियोलाय तक, कोशा तक, अंदर लंग्स के एक-एक कोशा तक इसका प्रभाव होता है। और जब हम अगले 10 मिनट में लपेट बांधे हुए जब रहते हैं तो हमारा समकालीन प्रभाव होता है, यानी कि ना तो उसमें ठंड लगती है ना गर्मी लगती है। और 20 मिनट्स के बाद उष्णकारी प्रभाव, जब ये गर्म लपेट जो हमने बांधी है उसकी वजह से वेट हीट हमारी त्वचा को मिलती है, ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं, तो हमारा रक्त दुगनी गति से बाहर सतह की ओर आता है, विकार लेकर, और निष्कासक अंगों में भी विकार पहुंचते हैं ताकि वो हमारे शरीर से बाहर हो जाए। और हमारे भीतर जो लंग्स है वहां पर जो है अणु परमाणु गतिमान होकर वहां पर जो है अपना जो मल चिपका हुआ है गोम की तरह, वहां पर वो अपना मल जो है जगह छोड़ता है और ये म्यूकस पिघल कर हमारे शरीर से बाहर जाता है। तो इस प्रकार से, किस तरह से इस छोटे से प्रयोग, छाती की लपेट जो कि हम 40 मिनट यदि प्रतिदिन बांधे तो हमारा जो है ब्रोंको डायलेटर का ये काम करेगा और हमारे कफ म्यूकस को पिघलाएगा। ये जो लपेट है हमें खाली पेट यानी के भोजन के आ, आ, 3 घंटे बाद और हल्का नाश्ता किया तो उसके 1 घंटे बाद बांध सकते हैं। और इसको बांध के आप कोई भी अपना घर का कार्य इत्यादि करिए, दिन में 2 बार बांधिए, सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद बांध के रख सकते हैं, अपना दिनचर्या उस तरह से कीजिए। और रात को 7 बजे अगर डिनर किया है तो आप 10 बजे सोते समय ये लपेट बांध के, अगर आपकी आंख लग जाए, आप सो भी जाए तो भी इससे कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है बल्कि फायदा ही होगा। अब मैं बात करती हूँ निमोनिया की। इस समय कई हमारे साधकों के प्रश्न जो है निमोनिया को लेकर आए हैं, तो उस केस में भी जब बहुत ज्यादा क्या कहते हैं व्यक्ति को परेशानी हो रही है तो उस समय हमें जो है व्यक्ति की छाती पर और व्यक्ति की पीठ पर जो है आपको ठंडा गरम सेक देना है। जी हाँ, हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन। याद रखिए कि वो हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन के लिए मैंने कहा था कि आप या तो 2 बर्तनों में पानी ले सकते हैं, एक में बॉइलिंग हॉट, एक में सादा पानी, दोनों में एक एक टॉवल रखा होगा, और हॉट वाटर की टॉवल की सिकाई की जगह आप हॉट वाटर बॉटल से भी सिकाई कर सकते हैं। लेकिन टॉवल से ये होता है कि आपका पूरा जो है एरिया कवर हो जाता है, बॉटल से पूरा एरिया कवर नहीं हो पाता। तो आप हॉट वाटर बॉटल जैसे कि आपने या तो उससे आप 3 मिनट सिकाई कीजिए, उसके बाद आप 1 मिनट जो है सादे पानी में डिप किया हुआ टॉवल आप वहां पर रखें। अब ये इस निमोनिया के केस में आपको जो है जिस तरह से मैंने बताया कि अगर एक पतीले में हॉट वाटर है तो उसमें टॉवल को कैसे भिगाना है, आप दोनों उसके टॉवल के छोर को पकड़ के और आप डिप करेंगे जिससे आप हाथ हाथ नहीं जले, और इस तरह से आप निचोड़ लेंगे और फिर इस तरह से करके व्यक्ति की छाती पर जो है 3 मिनट लगातार आप गर्म टॉवल से करेंगे और उसके बाद 1 मिनट सादे पानी से। अब जिन लोगों का हृदय कमजोर है,
उनको हॉट फॉर्मेंटेशन गर्म सिकाई देते समय उनकी छाती पर एक छोटा टॉवल, उनके हार्ट पर जो है वेट टॉवल आप जरूर रख दें टू प्रोटेक्ट द हार्ट। जिनके हृदय कमजोर है उन लोगों के लिए हॉट फॉर्मेंटेशन गर्म सिकाई देते समय एक छोटा टॉवल हार्ट पर कवर करके फिर गर्म सिकाई दीजिए। 3 मिनट तक गर्म सिकाई देके 1 मिनट सादे पानी में डिप किया हुआ टॉवल वो लगाइए। इस तरह से करते करते आप 3 मिनट गर्म, 1 मिनट सादा पानी का, ठंडे पानी का, 3 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, इस तरह से करते हुए हम 3 साइकिल्स करेंगे और एंड में 3 मिनट और एक 3 मिनट ठंडा सेक। इसके बाद हम व्यक्ति को पेट के बल लिटा के पीठ पर भी इसी तरह से ठंडा गर्म सेक देंगे। इस तरह से ठंडा गर्म सेक देने के बाद ये निमोनिया के टाइम पर जैसे व्यक्ति को यदि ठंड लग रही है तो आप जो है एंडिंग जो है गर्म सिकाई से करेंगे और उसके बाद अब आप छाती की लपेट बांधेंगे। ये छाती की लपेट आप बांध के वही 40 मिनट्स रखना है। इससे व्यक्ति को बहुत अधिक और बहुत जल्दी लाभ होगा। निमोनिया के केस में भी भोजन का क्रम जो है आपको हर घंटे 2 घंटे में आप जूसेस, नींबू पानी और फास्टिंग जो है इन सभी जो है जिस वक्त बुखार है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक कंडीशन है तो उस समय जो फास्टिंग है दैट इज द ग्रेटेस्ट वे ऑफ क्योरिंग एंड डिटॉक्सिफाइंग। उस समय जो है आप नींबू में थोड़ा शहद डाल सकते हैं ताकि व्यक्ति को जिनको अभी प्रश्न आया था कि कमजोरी लग रही है जिनको, तो वो अपना नींबू एक निचोड़े उसमें थोड़ा सा शहद डाल के कमजोरी दूर करने के लिए, और साथ साथ जो है किशमिश का पानी यदि आप पिए इस दौरान किशमिश आप 15-20 भिगो कर 1 कप पानी में और उसका पानी पिए और किशमिश को धीरे धीरे चबा के आप खा सकते हैं। तो और साथ साथ तीसरी एक चीज और, 1 कप पानी, 1 कप दूध को नींबू डाल के जो जिसे हम पनीर बनाने के लिए फाड़ते हैं तो वो उसको वे बोलते हैं, तो वो जो पानी है आपको वो भी पीना है। तो जिन व्यक्तियों को फीवर है, क्रॉनिक कंडीशन है, तो उनको भोजन जो है गरिष्ठ भोजन का तो त्याग करना है। फास्टिंग के दौरान हर 2 घंटे में आप सिट्रस फ्रूट जूसेस, लेमन वाटर और किशमिश का पानी और ये जो वे है जिसे मैंने कहा कि पनीर बनाने के लिए जैसे दूध में नींबू डाल के हम फाड़ते हैं तो पनीर अलग हो जाता है पानी, तो उस पानी का इस्तेमाल करना है, वो पनीर नहीं खाना है। तो इस तरह से पूरे दिन में आप थोड़े 2-2 घंटे के इंटरवल में और बहुत कम क्वांटिटी में, याद रखिए कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको एक तो पीने में समय लगाना है 10 मिनट सिप सिप करके और साथ के साथ एक साथ बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं पीनी है। तो इस तरह से अगर आप पूरा कार्यक्रम अपना ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट रखेंगे तो आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी और आपका बुखार जो है नेचुरली धीरे धीरे डाउन आएगा। एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि जिनको ये जो निमोनिया के स्पेशली या ब्रोंकाइटिस, पनीर का पानी, जी हाँ पनीर के पानी में बहुत सारे मिनरल विटामिन होते हैं तो वो आपको जो है इस समय पर सुपाच्य भी होगा और आपको जो है फायदा करेगा और उससे हमारी जीवनी शक्ति का ह्रास भी नहीं होगा। जो निमोनिया के पेशेंट है उनको छाती की लपेट, ठंडा गरम सेक छाती पर और पीठ पर करना है। हृदय रोगियों को ये ध्यान रखना है गरम सिकाई छाती पर देते समय हार्ट पर वेट टॉवल रखना है। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है जो निमोनिया के, ब्रोंकाइटिस के जिनको सांस लेने में या चेस्ट कंजेशन बहुत ज्यादा है उनको टांगों की लपेट भी अवश्य दिन में 2-3 बार करनी चाहिए। जो ये लपेट मैंने बताई है आप नीचे पैरों से लेकर घुटनों की तरफ जो है पूरा पैर पर जो है ये लपेट बांधने का आपको डेली प्रैक्टिस करनी है।
ताकि ये वही 40 मिनट्स तक बनती। इसका कारण, साइंटिफिक रीजन क्या है कि जब आपके हृदय पर, आपके चेस्ट पर, आपके फेफड़ों में स्वेलिंग है निमोनिया के चलते, तो वहां पर कंजेशन ज्यादा होता है। तो जब हम पैर की लपेट बांधते हैं तो वो रक्त भार नीचे की ओर चला जाता है, तो जो व्यक्ति को बेचैनी हो रही होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उससे उसमें बहुत लाभ होता है। तो इस तरह से मैंने आज जो आपको प्रयोग बताया, यदि आप फीवर की अवस्था में हैं तो आप पेट पर गीला टॉवल रखें और आंखों पर, माथे पर वेट पैक या वेट बैंडेज जिसे हम कहते हैं, 10 मिनट के लिए, यानी कि आप 1-2 मिनट रखेंगे, वो गर्म हो जाएगी, फिर से निचोड़िए, फिर से रखिए। तो ये कार्यक्रम आपका 10 मिनट तक चलेगा और ये 10 मिनट का कार्यक्रम आप